हाँ भाई नितेश द ग्रेट एज ऑलवेज, क्या हाल है? तो भैया हम पहुंच गए हैं जो हमारी मैकेनिक्स सीखने की पहली एक्सरसाइज है उसकी ब्लॉकिंग स्टेज के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए। हमने जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने वन टू वन इंटरेक्ट किया था, उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई थी तूने बहुत अच्छे से वो चीज़ें डाल ली हैं। मेजर था जो एंड में वेट बैलेंसिंग के चक्कर पड़ते थे, जो कि साइड व्यू से भी वेट बैलेंसिंग में कुछ इश्यू दिख रहा था और फ्रंट से भी दिख रहा था। तो अभी मैं वैसे देख चुका हूँ, लेकिन हम प्ले करके देखते हैं इकट्ठे। एंड में जो हो रहा था वो बहुत हद तक अब ठीक हो चुका है, एंड वी आर रेडी टू गो टू स्प्लाइनिंग वाली स्टेज। एक दो बार और प्ले करके देखें। ऑलराइट। सिर्फ क्या है कि अभी भी एंड में जो हमने बात की थी ना, पहले तो क्या हो रहा था, तेरा जब एंड के जंप्स हो रहे थे उसमें कैरेक्टर इतना सीधा था कि वो वेट इजीली टेक ओवर करके वो गिर सकता था, तो हमने उसको टेढ़ा किया ताकि वो अपने वेट को संभाले, है ना? तो अभी भी ये जो लास्ट है ना, इसको भी हल्का सा और टेढ़ा रख। अभी भी ये जो लास्ट जंप है ना, ये मुझे लग रही है जिसमें कि उसका वेट इधर गिर जाएगा, बस वो लास्ट वाला है, अदरवाइज मोर और लेस ठीक लग रहा है। वेट बैलेंसिंग इज ऑल राइट। और तूने स्ट्रेच एंड स्क्वाश भी डालने की कोशिश की है। ब्लॉकिंग लेवल पे जितनी जजमेंट हम कर सकते हैं उस हिसाब से बुरा नहीं है, अच्छा काम है। स्प्लाइनिंग में जजमेंट और अच्छी होगी स्ट्रेच एंड स्क्वाश की। गुड टू गो। अच्छा एक और पॉइंट था ना कुछ, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो जंप करता है जब, हाँ, तो उसका सिर ऐसे ही रहे जबकि तेरा अदरवाइज ये वाला एरिया उठा हुआ था ना, तो हम वह कर रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। अच्छा एक तूने उसके पेल्विस जो हिप्स हैं उनमें भी हमने डिज़ाइनिंग का प्लान किया था ना, लेफ्ट वाला ऊपर फिर ऊपर जाके नीचे। हाँ गुड है, अच्छी रिदम ऑलरेडी आ चुकी है एंड आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। यहाँ पे जब वो स्क्वाश हुआ तो नी मुड़ा होना चाहिए, अगर मुड़ा हुआ तो यहाँ से दिख नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेट ही टेढ़ा हो गया, पर अदरवाइज मुड़ना चाहिए नहीं क्योंकि स्क्वाश पोजीशन है। उसके बाद तूने क्या किया? ऑलराइट, ठीक है, अच्छा किया। बाकी चीज़ें वो चीज़ें कर दिए तूने, जो हिप वाली मैंने बैलेंसिंग की बातें बताई थी वो सब तूने डाल दिया उसमें, तो ऑलमोस्ट रेडी टू गो टू स्प्लानिंग। जा सकते हैं स्प्लानिंग में, सिर्फ एंड वाला थोड़ा सा ठीक कर लेना। एक बार तेरा जो है फ्रंट भी देख ले। यहाँ पे बहुत भयंकर वेट के पंगे थे लास्ट जो हमने बातें की हैं, तो वो 90% से ज़्यादा तूने टेक केयर कर लिए हैं। सही जा रहे हैं हम, पहले बहुत बुरे हाल थे, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो उस प्लानिंग लेवल पे ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे जाके तूने ये ठीक, चल मान लेते हैं यहाँ पे जाके तूने ये वाला जो इसके बाद है, ठीक है, इतना भी अभी मैं पंगा नहीं कुछ करने को बोलता। जो ब्लॉकिंग लेवल पे जितना जजमेंट कर सकते थे ठीक है, बढ़िया हो गया। स्प्लाइनिंग इस लायक हो गया कि स्प्लाइनिंग में हम कूद सकें, और जो कमी पेशी है स्प्लाइनिंग में तो बहुत पर फ्रेम लेवल पे हम वेट को बैलेंस कर पाते हैं ना, तो बड़ी गलती मोटी गलती नहीं है जो पहले थी।
बड़े जो झटके थे वो नहीं है, टेक केयर हो जाएगा इस प्लानिंग में। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, प्लानिंग पे स्टार्ट हो जा, चक दे फट्टे।